My dear friends, it's a joyous day. मेरे मित्रों, आज का दिन बड़ा आनंदमय है. We look with hope on what God is going to promise us. परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाले हैं उसके ऊपर हम उम्मीद भरे हैं. And he promises us as per Deuteronomy 32:13. व्यवस्था 32:13 के अनुसार उन्होंने वादा किया है. He nourished him with honey from the rock and with oil from the flinty crag. उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया. It's very impossible to find honey from the rock. चट्टान से मधु मिलना बड़ा असंभव बात है. और oil from the crag. और चट्टान से तेल मिलना भी बड़ा असंभव सी बात है. But such is the power of God. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ऐसा ही है. Today your business might be like a rock or a crag. शायद आपका व्यवसाय बिल्कुल चट्टान के समान आज हो गया होगा. Nothing good can come out of it, you might say. आप शायद बोल रहे होंगे इससे कुछ भलाई नहीं हो सकता. It's very small. ये बड़ा छोटा है. Very little. बहुत कम है. Very difficult. बड़ा कठिन है. It looks dead. एकदम बिल्कुल मौत के समान है. It looks closed. एकदम लगता है बंद हो गया है. But don't despite what God has given you. लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिए हैं उसको आप तुच्छ ना जानें. The position he has placed you in. जो स्थिति परमेश्वर आपको दिए हैं. The family he has placed you in. जो परिवार में परमेश्वर आपको बसाए हैं. Don't despise these things which God has given you. परमेश्वर ने जो बात आपको दी उसको तुच्छ ना जानें. Because it is not the business which is going to give you a reward. ये आपके व्यवसाय आपको प्रतिफल ना देगा. It is the Lord. परमेश्वर आपको देंगे. And we find Joseph in a similar situation. हम यूसुफ को इसी स्थिति में पाए हुए देखते हैं. Locked in a jail. एक जेल में बंद कर दिया गया था. We would have thought that this is the end place for us. It's over. उसने सोचा होगा मेरे लिए सारा बात शायद खत्म हो गया है. But in that place, God spoke to Joseph. लेकिन उस कारागार में परमेश्वर ने यूसुफ से बातें किया. About what he is to do in Egypt. उनको मिस्र में क्या करना है उसके बारे में. What he is to do for the development of a nation. एक देश को बनाने के लिए क्या उनको करनी है. It is God's plans which are important. परमेश्वर की योजना ही बड़ा महत्वपूर्ण है. And his power can bring honey from the rock and oil from the flinty crag. उनका सामर्थ जो है चट्टान से मधु और चट्टान से तेल को भी लाएगा. So out of that prison, God blessed and used Joseph. उस कारागार के माध्यम से परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष देकर उनका जीवन का उपयोग किया. To bring prosperity to the entire nation. पूरा देश के लिए उनको संपन्नता का कारण बनाया. And to all the surrounding nations. और आसपास के सारे देशों में अपने संपन्नता को भेजा. Isn't that glorious? ये महिमान्वित बात नहीं है. Don't despise the things that God has placed you in. परमेश्वर जो स्थिति में आपको रखे उसको आप तुच्छ ना जाने. It is he who has to bring honey from the rock. परमेश्वर को ही चट्टान से मधु को लाना है. He will make that honey and oil appear today. वह आज आपके जीवन में मधु और तेल को लेकर आएंगे. Because this is his promise. क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञा वचन है. We thank you, Lord, for promising us these wonderful things. धन्यवाद प्रभु, ये बेहतरीन वादा आपने आज हमसे किए हैं. What we see as impossible today, Lord. जिस बात को हम असंभव के समान देखते हैं आज. You are making your glorious ways appear from where you've placed us. हमें जिस स्थान में रखे हैं आपकी महिमान्वित राह को आप खोल रहे हैं. You are doing a miracle, Lord. आप एक चमत्कार कर रहे हैं. It will be mighty. ये बड़ा सामर्थ्यशाली होगा. It will be too big for us to imagine. हमारे सोच से बहुत बढ़कर होगा. Thank you for doing this miraculous thing to, Lord, use the little that we have. हमारे हाथ में जो छोटी सी बात है उसको बहुतायत से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद. The small business which your children are struggling with. छोटा व्यवसाय जिसके माध्यम से आपके बच्चे लोग संघर्षरत हैं. You're going to bring honey from it. उसके माध्यम से आप मधु लाएंगे. Oil will flow out of it. उसके माध्यम से तेल बहता रहेगा. Glory to you, Lord. आपको महिमा मिले प्रभु. And all people will see and come rushing to it. सारे लोग इसके ओर दौड़ के आएंगे. Such a great prosperity. इतना बड़ा संपन्नता. Out of nothing. कोई भी बात नहीं होने से. Lord, you are the miracle worker. प्रभु आप चमत्कार करने वाले हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen.
Don't limit the power of the Lord, my friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ्य को आप सीमित ना करें। In whatever you have or wherever you are, can God not do something glorious? आप जहाँ भी हैं, आपके हाथ में कुछ भी क्यों ना है, क्या परमेश्वर कोई महिमान्वित काम नहीं कर सकते हैं? I believe you will see it in your business in the coming days very specially. मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में आप एक नया व्यवसाय को देखने वाले हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।